सो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मंदसौर मंडी के अंदर अगर कोई भी रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मंडी प्रशासन की तरफ से तो एक लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 18 मई से मंडियाँ चालू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद व्यापारी संघ के द्वारा भी एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि कोई भी व्यापारी 22 मई तक नीलामी कार्य में भाग नहीं लेगा। अगर मंडी खोलने के रिलेटेड उनको कुछ बताना है तो वो फिर 22 मई के बाद ही बताएंगे। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर आई है मंडी व्यापारी महासंघ के द्वारा कि अगर मंडी खोलने के प्रस्ताव रखे जाएं तो उनके लिए दो कंडीशन है। अगर मंडी चालू करें तो सबसे पहले तो सभी व्यापारियों को टीकाकरण हो जाए और मंडी में जितने भी काम करने वाले उन सभी के टीकाकरण हो जाए, या अगर मंडी फिर भी चालू की जाए टीकाकरण ना हो तो अगर किसी भी व्यापारी काम करने वाले या किसी को भी कुछ होता है तो उसे 50,000 की धनराशि दी जाए ताकि वो बीमारी का अपना इलाज करा सके। अगर ये नहीं हो सके उसके बाद भी अगर मंडी चलाने के कोई निर्देश आए तो व्यापारी महासंघ ने बताया कि वो मंडी के नीलामी कार्य में भाग नहीं लेंगे जब तक कि कोरोना संक्रमण कम नहीं हो जाता, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण अब शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी दयनीय स्थिति हो गई है। तो इसके लिए जब तक कोरोना की चेन नहीं टूट जाती तब तक मंडी चलाने के कोई प्रस्ताव ना रखे, और अगर चलाने के रखे तो भी सभी व्यापारियों के और मंडी में काम करने वाले हेमालो सभी की टीकाकरण हो जाए ताकि वो सभी मंडी चला सके और मंडी में नीलामी कार्य में भाग ले सके व्यापारी संघ। और जब तक अगर ये नहीं होता है तो मंडी बंद रहेगी। हाल फिलहाल अभी किसान भाइयों कोई भी न्यूज़ नहीं आई है मंडी चलने के रिलेटेड। अगर हाल ही में जो लेटर जारी हुआ है उस पर महाव्यापारी संघ ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो नीलामी कार्य में भाग नहीं लेंगे, तो अभी मंडी हाल फिलहाल बंद है। तो कोई भी किसान भाई अपना माल लेके मंडी ना पहुंचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये न्यूज़ सभी तक पहुंचे, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी अपडेट आती है तो हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे।